रखो तोड़ के नीचे। सी आ गई है, नीली तुलसी। नीली तुलसी शिव शंकर वाली, शंकर वाली जो नीली तुलसी होती है ना वो। ये खीरे कहाँ है, पुदीना कहाँ है, अच्छा और पेड़ कहाँ है, बड़ा पेड़ ये रहा। वो टमाटर कहाँ है, टमाटर 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 ये। और जुकीनी कहाँ है, खीरे कहाँ है। ओ ये हमारे घर के आंगन के बाहर की तुलसी है, देख सकते हो कितने बड़ी पत्ते हो गए, और मैंने माता तुलसी माता को चुन्नी भी चढ़ाई हुई है। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो सुबह की गुड मॉर्निंग, 8:30 हुए हैं अभी। सो सुबह की मॉर्निंग टी मैंने हस्बैंड को दे दिया, आज हस्बैंड का ऑफ है। खिड़की खोली है, वैसे बहुत कूल हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, तो नाश्ता वाश्ता कर लिया। मैंने तो अपनी नाश्ता नहीं किया, मैंने तो जस्ट अपना गर्म पानी पिया और ज़्यादा अभी 9 भी नहीं बजे। सो मैं सोच रही हूँ कि बाहर थोड़ा सा बगीचे में चले जाती हूँ, मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। पूछती हूँ उसके पापा से, अरे पापा आ जाओ, कह रहे बगीचे चलना है। ये पापा को बता रहा, पापा टाइम हो गया बगीचे चलना है। इसके तो छोटे छोटे मच्छर को भी बाय करता है, जो खिड़की खोल विंडो ओपन करते हैं तो छोटे छोटे जो मॉस्किटोज है ना वो आ जाते हैं, तो उसको भी बाय कर रहा है, बाय बाय। हाँ हाँ क्या अच्छा मौसम हो रहा है, बोलते आता चुप हो जाओ, इसको भूख लगी है, आ खाना है इसको। ये कह रहा है मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, कह रहा अभी ला रहा हूँ। कह रहा अभी ला रहा हूँ, रुक जा। टमाटर हमने उगाए थे ना, तो उसका देखो छोटे टमाटर लाए थे और विद इन 10 डेज ये देखो कितने बड़े हो गए हैं। तो मतलब टमाटर को सपोर्ट देने के लिए ना हस्बैंड ने ना ये डंडी, ये लकड़ी की डंडी स्टिक लगाई है ताकि सपोर्ट में रहे, और इन पौधों को ना होता एक वायर से बांध दिया जाता है ताकि पौधे झुके ना, गिरे ना, क्योंकि जैसे हाँ ये देखो फूल भी आने लगे गाइस, देखिए टमाटर भी आ रहे हैं। कहाँ गए, छोटे छोटे टमाटर भी आने लग गए गाइस, भी आने लगे हैं, स्टार्ट हो गए हैं। हस्बैंड कह रहे इधर भी आ रहा, कहाँ आ रहा है। हाँ ये देख रहे हो टमाटर, साफ किया था ना, अब देखो कितना पूरा भर गया है, इतने बड़े बड़े पत्ते भी आ गए। और यहाँ लगाया था धनिया का भी, धनिया तो छोटे पता नहीं धनिया उगेगा नहीं उगेगा, लेकिन लग रहा है ना धनिया, धनिया ही आएगा ना, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ। और ये है खीरे, खीरे का तो खीरे, और ये है तोरई का, तो तोरई का। और गाइस थोड़े बहुत बीज ना हमने इसके अंदर डाले थे, मतलब अंदर के साइड लगाए थे, तो इसमें भी आने लगे। भिंडी का है, ये सेपरेट डाला था, बीज डाला था तो अंकुर बन के ही निकल आया। चाओ एंजेलो बोनजोर्नो, हाथ हाथ से लो ना, जैसे हाथ का काट रहे। अरे हेल्प करो इसका, बन काट बनाओ, ऐसे काटना, ऐसे 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 पकड़ इसमें डालो। अरे क्या कर रहे हो, पुदीना तोड़ रहे हो हैं, मम्मी की हेल्प करवा रहे हो कि मम्मी को उधर जाके पुदीना तोड़ने की जरूरत ना पड़े। मेरी खुशबू आ रही है पुदीना की, नीचे से देखना। वो गोलगप्पे बना लो आज, कहते हैं तुलसी माता में लक्ष्मी का वास होता है, तो मैंने कर दिया। अब आप घर जा रहे हैं, ये देखो मंगू की तरह अटक जाता है बार बार। अरे तो गाइस मैंने पुदीना तोड़ लिया है, और कुछ तो कुछ पार्ट मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है उनको दे दूंगी। तो गाइस सुबह सुबह ये आइसक्रीम मांग रहा है, हैं इसको आइसक्रीम खानी है कि मुझे आइस दे दो, आइस दे दो आराम से सुबह सुबह।
ये देखो सुबह सुबह गाइस, ये देखो ये आइसक्रीम खा रहा है। ब्लॉग में दिखाती रहूंगी कि संडे मतलब छुट्टी वाले दिन मैं क्या क्या करती हूँ। वैसे बनाना था स्पेशल कुछ हस्बैंड के लिए, बट हस्बैंड का वही है कि संडे है तो मैं चिकन ही बना लूंगा, तो हस्बैंड को चिकन ज्यादा पसंद है तो वो चिकन ही बनाएंगे। तो ऐसे ही धीरे अभी देखो पीछे सारा फैला हुआ, अभी सारा ना मुझे क्लीन वगैरह करना है, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ करना है। अभी बेड वगैरह सेट किया, अभी सोफा वगैरह क्लीन करूंगी और किचन साफ करूंगी, उसके बाद मैं मिलती हूँ दोबारा आपको। तो गाइस ये बाहर हस्बैंड झाड़ू लगा रहे हैं, बाहर की ये पूरा क्लीन करना होता है हमें, कह रहे कि मैं लगा देता हूँ बाहर की, ये बाहर की सफाई कर रहे हैं, घर की तो अंदर की मैं कर दूंगी। मैं कूड़ा फेंकने जा रही हूँ, मेरे पास गाइड ये जैसे कि है, अब ये जैसे कि गत्ता है काटता है कार्टून पेपर एंड कार्डबोर्ड में, ये इसमें ये डलेगा, तो उससे पहले उसके लिए मुझे पहले से ये पंच करना पड़ेगा, टच करके और ये बटन दबाना पड़ेगा। इसे मैं डालूंगी, डाल दिया ये और बंद हो जाएगा। अब मैं डालूंगी प्लास्टिक की बॉटल्स और दूध के जो है डब्बे इसके अंदर, तो इसे भी मैंने पंच किया, पंच कर दिया और ये ऑटोमेटिक खुल गया है। अब ये प्लास्टिक है, ये पूरा प्लास्टिक है, प्लास्टिक मैं इसमें डाल दूंगी। तो गाइस मैंने अपने वॉशरूम को अच्छे से क्लीन कर लिया है, मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है, मैंने क्लीन कर दिया है अच्छे से। गंदगी हो गई है देख सकते हैं, अच्छे से साफ सफाई कर दी है। किचन को थोड़ा सा साफ करना है वैसे। तो गाइस ये मैंने आ रखा है, ये रूम है, ये भी मैंने क्लीन कर दिया है, आप देख सकते हो। आज की मैंने जोत जलाई नहीं मैंने, क्योंकि आज मैं लेट हो रही थी। अब मैंने सारे क्लीनिंग वगैरह डस्टिंग वगैरह कर ली है, तो गाइस मैंने साफ सफाई कर ली, शॉवर भी ले लिया है। तो अब बना रहे मेरे हस्बैंड दिन का लंच, मतलब उन्हें चिकन बनाना है तो वो अपना चिकन बना रहे हैं। मैंने सुबह से मॉर्निंग की टी बिल्कुल नहीं पी, तो ये मॉर्निंग की टी अब मैं डे में पी रही हूँ। तो गाइस अब मैंने अपना लंच बना लिया, हस्बैंड ने भी अपना चिकन बना चुके हैं और अब वो खाने बैठे हैं। तो मेरा जो लंच है देख सकते हो, मैंने अपनी ये आलू मटर की सब्जी है, ये आलू मटर की सब्जी है, और जो आज मैंने पुदीना तोड़ा था मेरे बगीचे का, ये उसकी चटनी मैंने बना ली है। तो मैं चटनी आओ यार, आपके दांत कहाँ हैं, इतने बड़े बड़े राक्षस वाले दांत, ओह अरे दिखाओ, आ रहा डरा दिया। तो गाइस अब हम खाना वाना खा चुके हैं, अब हम सोने की तैयारी करेंगे। तीन पापा डर गए हो। तो गाइस अब हो गए हैं शाम के 4 बज गए हैं और बारिश हो रही है, अब थोड़ी सी रुकी है, नहीं तो पहले बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत तेज। और हम पी रहे हैं चाय। तो खाना बनाना नहीं है क्योंकि हस्बैंड ने चिकन ऑलरेडी दिन में बना लिया था, तो रात का भी उनका चिकन हो जाएगा और रात का मैं अपना देखूंगी, देखती हूँ पनीर की भुर्जी वगैरह या मटर पुलाव बना लूँ बेटे के लिए। अगर मैंने शाम का दीपक वगैरह जला लिया है, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो अक्सर हम शाम के टाइम पे मैं और मेरी फ्रेंड दोनों हम बाहर थोड़ा सा वॉक करने के लिए निकल जाते हैं। घर जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड भी अपने घर चले गई है। 8:30 हो गए, आप देख सकते हो 8:30 में भी कितना उजाला है। सो गाइस देख सकते हो व्यू कितना प्यारा हो रहा है, पहाड़ ये हमारी ब्रूना मिल गई है। क्या हो गया?
परसों घर पे आके खाना वाना खाया, मैंने भी खाया, बेटे को भी खिलाया और हस्बैंड ने भी खा लिया। थोड़ी सी बात शेयर करना चाहती थी, अपने दिल की बात। तो वक्त का ना कुछ पता नहीं है कि कब किसकी आ जानी। रात को हम हंसते खेलते सो रहे हैं, सुबह पता नहीं आँख खुले नहीं खुले। मैं और मेरे हस्बैंड ना ऐसे बैठे बैठे खाना खाते हुए ना ऐसे टीवी में न्यूज़ देख रहे थे, तो वो न्यूज़ चल रही थी, सुबह से आ रही होगी न्यूज़। सो पता नहीं, हमने तो अभी ही देखा था रात को, पंजाबी जो मशहूर पंजाबी सिंगर है सिद्धू और मूसेवाला, तो उसकी ना डेथ हो गई है। तो ये डेथ मतलब किसी ने हत्या कर दी है, वो भी 7 गोलियां से फायर की है। अब पता नहीं, फेमस हो जाओ, दुनिया का समझ नहीं आता, फेमस हो जाओ तो भी दुश्मन बन जाते हैं, फेमस ना हो कुछ ना करो तो भी मतलब दुनिया ताने मार मार के मतलब मार देती है, तो भी जीने देती। तो दुनिया है तो वही, हमें कैसे रहना कैसे नहीं वो हम पे डिपेंड करता है। और बहुत दुख लगा मुझे जब न्यूज़ देखा, तो जैसे शूट किया था उसको गाड़ी में, मतलब पंजाबी सिंगर को, तो लोग कितने पब्लिक वीडियो बना रही थी, मतलब ये भी एक तमाशा ही हो गया था, तमाशा ही है देखा जाए तो, सब शूट कर रहे हैं। देख के भी अजीब लगा और दुख भी लगा एकदम से, पता नहीं क्या हो गया था कि लाइफ का कुछ पता नहीं, मौत कब किसकी क्या कैसी लिखी है, वक्त का कुछ पता नहीं होता। सो बस मैं बस परमात्मा से, बाबा जी से यही प्रेयर करूँगी कि उसकी आत्मा को शांति दे। यही दिन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, मेरा जो संडे का दिन था वो इस तरह से गुजरा जो मैंने आपके साथ व्लॉग के जरिए शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। सो प्लीज़ मेरे चाहे जो सब्सक्राइबर है जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आई होप सबको, सबने ये न्यूज़ देख रहे होंगे कि जो फेमस की जो डेथ हुई है बहुत ही दर्दनाक डेथ हुई है। सो सभी, मैं भी और आप सभी उसकी प्रेयर मतलब के लिए प्रेयर करें कि भगवान बाबा जी उसकी आत्मा को शांति दे। और हंसती रहिए, खेलती रहिए, लाइफ का कुछ पता नहीं कब किसकी कहाँ लिखी है कैसे लिखी है कुछ पता नहीं, तो डर भी लगता है। और इसलिए कहते हैं ना, अपने कर्म अपने हाथ है, कर्म हमारे ऊपर जाते हैं, अच्छे कर्म का भी हिसाब ऊपर होता है, बुरे कर्म का भी हिसाब ऊपर ही होता है। ये है, अपनी लाइफ खुद अपने हाथ है, तो भगवान उसकी आत्मा को, परमात्मा उसकी आत्मा को, बाबा जी उसकी आत्मा को शांति दे। बड़े दुख के साथ मैं ये व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप कीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं शांति हूँ।